क्लाइमेट चेंज प्रोटेस्ट में पहुंचे जोकर, एक्टर वाकिन फिनिक्स गिरफ्तार। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स विजेता और बॉलीवुड फिल्म जोकर के एक्टर वाकिन फिनिक्स को शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में गिरफ्तार कर लिया गया। वाशिंगटन डीसी में हॉलीवुड एक्ट्रेस जेन फोंडा ने द फायर ड्रिल फ्राइडे नाम से क्लाइमेट चेंज को लेकर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसमें वाकिन पहुंचे। इस विरोध प्रदर्शन में वाकिन के अलावा मार्टिन सीन, मैगी जिलेट हॉल और सूजन सरांडो भी शामिल हुई। इस प्रोटेस्ट में वाकिन ने मीट और डेयरी इंडस्ट्री के क्लाइमेट चेंज पर पड़ने वाले असर के बारे में भाषण भी दिया। फोटो हो रही वायरल। यूएस कैपिटल पुलिस की माने तो 147 विरोधकर्ताओं को गैर कानूनी प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। वाकिन फिनिक्स की स्पीच और गिरफ्तारी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अक्टूबर के महीने से अभी तक एक्ट्रेस जेन फोंडा और अन्य एक्टर्स जैसे सैम वाटरस्टन, टेड डैनसन, रोजेन आर्क्वेट, सैली फील्ड और कैथरीन किनर को सविनय अवज्ञा के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है, क्योंकि ये लोग ग्रीन न्यू डील संग अन्य मांगों की वकालत कर रहे थे। भाषण में बोली ये बड़ी बात। जेन फोंडा ने भाषण देने के लिए वकील का परिचय देते हुए उन्हें आज के महान एक्टर्स में से एक बताया। वकील फिनिक्स ने अपने भाषण में कहा, एक चीज जिसके बारे में हम पर्यावरण आंदोलन या क्लाइमेट चेंज के दौरान ज्यादा बात नहीं करते, वो है मीट और डेयरी इंडस्ट्री। मीट और डेयरी इंडस्ट्री क्लाइमेट चेंज का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। वकील ने आगे कहा, मुझे लगता है कभी कभी हम सोचते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं, और आप आज अभी और कल इस बात के लिए कुछ कर सकते हैं। बस आपको फैसला करना होगा कि आप क्या खाना चाहते हैं। बता दें कि हाल ही में आयोजित हुए 77th गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में वाकिन फिनिक्स ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। वाकिन ने अपनी स्पीच में अवार्ड्स के आयोजकों की वेजिटेरियन खाना रखने की तारीफ की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक बोल्ड बात है।